गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1, 2, 3, 4 एंड 5 गिवन बाई रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आपको इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है. शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर. और साथ में हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर हमारा सेट जो है 1, 3, 5 होगा तो क्या ये रिलेशन शो हो रहा है, या अगर हमारा सेट 2, 4 होगा तो क्या ये जो हमारा रिलेशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. और एक और आपसे कहा गया बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4. अभी तो आपका 1, 3, 5 का जो भी आपको रिलेट करना है वो उसी से करना था, 2, 4 को उसी से करना था रिलेट. लेकिन अब की बार 1, 3, 5 को 2, 4 से आपको रिलेट करना है और बताना है कि क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो बहुत ध्यान से हमें इस क्वेश्चन को करना है. अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या चीज़ शो करनी होती है. आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमिट्री और ट्रांजिटिव शो करना होता है. इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर कोई नंबर आपको इवन दिखाना है, डिफरेंस अगर आपको कोई दो नंबर हैं और उन दो नंबर का डिफरेंस जो है आपको इवन दिखाना है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप कोई दो इवन नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो ध्यान रखिए कि वो आपका इवन तभी आएगा जब या तो वो दोनों नंबर आपके इवन हो. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा. 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा. ऐसे ही अगर मान लीजिए आप 9 माइनस 7 कर रहे हैं तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा. यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी अगर ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो दोनों नंबर होंगे आपके वो या तो आपके इवन होने चाहिए और या ही या वो दोनों नंबर आपके ऑड होने चाहिए, तभी ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई हो पाएगा. अब एक बात, कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि सर यहां पर आप बोलते हैं कि जो रिलेशन है वो दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तब आता है, और यहां पर तो हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, यहां पर तो आपको सेट ए दे रखा है. तो एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. यानी यहां पर अगर सेट ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ए का ए से क्रॉस हुआ होगा, उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का एक ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का एक बहुत बड़ा सेट बना होगा, और उसमें से आपको जिस ऑर्डर्ड पेयर से मतलब है आपने उस ऑर्डर्ड पेयर को लिया, और वो ऑर्डर्ड पेयर जो है हमारा क्या होना चाहिए, उन दोनों उस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो हमारा इवन होना चाहिए. हमने उन ऑर्डर्ड पेयर को क्या कहते हैं, सेलेक्ट किया, तो वो हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया. उसके बाद अब देखते हैं कि इस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किस तरीके से शो करते हैं. सबसे पहले हम लोग, आपको एक रिलेशन दे रखा है, वी हैव आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए. जाहिर सी बात है जब आप ए क्रॉस ए करते हैं तो वहां पर जो भी एलिमेंट आपके ए और बी के आएंगे वो ए को ही रिलेट करेंगे, वो सेट ए को ही आपको बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए ही लिखा है मैंने. इसका मतलब है ये जो रिलेशन बना है वो ए क्रॉस ए से ही बना होगा, लेकिन ए क्रॉस ए से जो भी हमारे मतलब के जो हमारे वो जो आपके रिलेशन होंगे उसी को ही लेकर के हम लोगों ने ये आपका रिलेशन बनाया है. वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, आपको शो करना है. तो आपने क्या काम किया, एक एलिमेंट मान लिया ए,
इन्हीं में से भी कोई एक होगा। जब एक लॉ सही है तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही इस सेट को बिलोंग करेंगे ए को, और ऑर्डर्ड पेयर में जो भी आपके एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट होते हैं, दो होते हैं, दोनों के दोनों ही वो ए सेट को ही बिलोंग करेंगे। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए वी हैव, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है ए कॉमा बी, आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने का अपने आप से हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ए कॉमा ए करेंगे तो यहां पर ए माइनस ए आ जाएगा, तो a माइनस ए क्या होगा, आपका डिफरेंस जीरो होगा, और जीरो जो है वो क्या है, इवन है, विच इज इवन। सो a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, r का मतलब यहां पे रियल नंबर नहीं है, r का मतलब यानी कि ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, सो r इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल ऐसे ही सिमेट्री के बारे में। अब हमने क्या काम किया, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया जो बिलोंग कर रहा है इस वाले रिलेशन को। अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा, b कॉमा a को दिखाना है, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r ले लिया। अब आपको पता है, पहले से ही पता है कि अगर जो आपका रिलेशन है वो डिफरेंस है a और b का, तो a माइनस b अगर इवन है, जैसे मान लीजिए अगर आपका 5 माइनस 3 लिखा हुआ है तो क्या है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए 3 माइनस 5 करें, तो 3 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी आपका इवन ही आएगा क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होगा। तो यानी कि अगर मॉड a माइनस b इवन है तो मॉड b माइनस a भी आपका इवन होगा। अगर मॉड b माइनस a इवन है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, b कॉमा a लिख देंगे, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, दस a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर आपको पता है कि अगर ये बिलोंग्स टू आर है तो इंप्लाइज दैट, अभी आपने प्रूफ कर दिया कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर को लेके चले और हमने बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर शो कर दिया, तो इसका मतलब हमारा जो आपका रिलेशन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव में आपको पता है कि हम लोग एक और पेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैंने अब की बार a कॉमा b बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, ठीक है, एक दूसरा पेयर लिया b कॉमा c बिलोंग्स टू r। अब आपको क्या चीज शो करनी पड़ेगी, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये हमको शो करना पड़ेगा तभी हमारा ट्रांजिटिव हो पाएगा। तो देखते हैं, अभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, मैंने कहा था कि अगर आपका r जो आपका रिलेशन है a कॉमा b, डिफरेंस अगर हम उन दोनों का करते हैं तो वो इवन आता है। तो मैंने आपको समझाया था कि a कॉमा b, या तो ये दोनों a और b आपके ऑड होने चाहिए या ये दोनों a कॉमा b आपके इवन होने चाहिए, तभी हमारा ये इवन आएगा, मॉड a माइनस b इज इवन आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि या तो दोनों नंबर हमारे इवन होंगे और या दोनों नंबर हमारे a और b वाले ऑड होंगे। तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब, मॉड a माइनस बी इज इवन एंड मॉड b माइनस सी इज इवन, ये हम लोगों ने लेके चलना है। और हमें क्या चीज शो करनी है, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। मैंने अभी आपको समझा दिया a एंड b बोथ आर इवन एंड बोथ आर ऑड, या तो a और b इवन होंगे या a और b आपके दोनों ऑड होंगे, तभी हमारी ये सब बातें प्रूफ हो पाएंगी। अब इसमें दो केस हैं, या तो a और b आपके ऑड होंगे या a और b आपके इवन होंगे, ठीक है, या b कॉमा c आपके इवन होंगे या b कॉमा c आपके ऑड होंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर a कॉमा b पेयर को आपने इवन लिया है तो b कॉमा c को भी हमको इवन ही लेना पड़ेगा, और अगर a कॉमा b को आपने ऑड लिया है तो b कॉमा c को भी आपको ऑड लेना पड़ेगा। तो यहां पर केस वन, व्हेन b इज इवन, अगर b इवन है तो ऑब्वियसली सी बात है कि a इवन ही होगा। इन दिस केस a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो a माइनस बी मॉड a माइनस बी इज इवन, क्योंकि जब इस आपके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये बात सही है, और एंड मॉड b माइनस सी इज इवन। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया मान लीजिए 4 और 2 लिया, ठीक है, या मैंने मान लीजिए 1 3 और 3 5 लिया, मान लीजिए 1 3 1 3 और 3 5 लिया। तो अब आप देखेंगे, क्योंकि जब a, b और c तीनों ही ऑड हैं तो आप मॉड a माइनस सी आपका क्या हो जाएगा, इवन ही आएगा, क्योंकि दो इवन नंबर का डिफरेंस जो होगा वो आपका इवन ही आएगा,
तो इसीलिए यहां पर कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, मॉड ए माइनस सी इज इवन ही आएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये केस वन बनाया, बिल्कुल ऐसे ही केस टू। अब बी आपने ऑड ले लिया है तो जाहिर सी बात है ए भी ऑड होगा, और जाहिर सी बात है सी भी आपका ऑड होगा। इन दिस केस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो आपको पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो मॉड ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड बी माइनस सी इज इवन। जैसे यहां किया था बिल्कुल वैसे ही वहां किया है, बस ये है यहां पर ए और बी और बी और सी आपके ऑड हैं, यहां पर ए और बी और बी और सी आपके इवन थे इस वाले केस में। तो यहां पर आपको पता है, मान लीजिए आपने 1 3 5 लिया, तो 1 3 का डिफरेंस क्या हुआ 2 हुआ, 3 5 का डिफरेंस क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपका डिफरेंस क्या हुआ, आपका डिफरेंस हमेशा इवन ही आएगा। तो यहां से प्रूफ हो गया कि जैसे यहां भी प्रूफ कर दिया था आपने, यहां पर भी आपने प्रूफ कर दिया। अब आपको पता है कि 10 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आपने प्रूफ कर दिया, सो आर इज ट्रांजिटिव। ये इस तरीके से आपको एग्जाम में समझाना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब वो कह रहा है द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 3 5 रिलेटेड टू इटसेल्फ। समझ लीजिए 1 3 5 का 1 3 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और उसमें से वो आप लीजिए पेयर जिसमें ये बात सेटिस्फाई हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर दोनों नंबर आपके ऑड नंबर हैं या दोनों नंबर अगर आपके इवन नंबर हैं, तो उनका डिफरेंस हमेशा इवन आएगा। तो अगर 1 3 5 का रिलेशन 1 3 5 के साथ कर रहे हैं, तो हमेशा जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जब भी आप कोई इसमें बनाएंगे, तो हमेशा वो इवन ही आएगा उनका डिफरेंस। जैसे मान लीजिए 1 3 5 है और 1 3 5 है, आपने क्रॉस किया, आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद आपने देखा कि उनका जब आप डिफरेंस कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये भी ऑड है और वो भी ऑड है, तो जब आप उनका डिफरेंस करेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। 1 -3 किया, 3 -5 किया, वो भी इवन है, 1 -5 किया, वो भी इवन है। बिल्कुल ऐसे ही द सेट ऑफ एलिमेंट्स 2,4 रिलेटेड टू इटसेल्फ, 2,4 का 2,4 के साथ करेंगे, तो जब आप खुद देखिए जब दोनों ही नंबर आपके क्या हैं इवन हैं, तो उनका डिफरेंस भी आपका इवन नंबर आएगा, तो आपने इवन लिख दिया। अब की बार जो थर्ड पार्ट था, अब की बार 1 3 5 का जो भी आपको रिलेट करना है वो 2,4 से करना है। अब की बार आपको क्या कहते हैं, जो भी 1 3 5 का, अभी इससे पहले आपने 1 3 5 का 1 3 5 के साथ किया, 2,4 का 2,4 के साथ किया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 1 3 5 का जो भी आपको रिलेट करना है वो 2,4 से करना है। तो अब यहां पर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका इवन है वो तभी आएगा या तो दोनों नंबर आपके क्या होंगे ऑड होंगे, या दोनों नंबर आपके इवन होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब आप इसका रिलेट इससे करेंगे, तो एक नंबर आपका इवन आएगा और एक नंबर आपका ऑड आएगा। तो जब इवन और ऑड का डिफरेंस करेंगे तो कभी भी वो इवन नंबर नहीं आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 9 और मैंने लिया मान लीजिए 4 लिया, तो 9 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। आप चाहें तो करके देख लीजिएगा, कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा आपको एग्जाम में लिखना है, किस तरीके से समझाना है, मैंने आपको एक एक बात को समझाया है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। थैंक यू।